पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म 18 अगस्त 1872 को महाराष्ट्र के कुरुंदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक स्थान में श्रावणी पूर्णिमा को हुआ था। उनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल व माता का नाम गंगा देवी था। उन्हें उनके माता पिता ने एक अच्छे विद्यालय में भेजना शुरू किया, किंतु अभाग्यवश दीपावली के दिन आतिशबाजी से उनकी आंखें खराब हो गई। परिणाम स्वरूप उन्हें अध्ययन बंद करना पड़ा। तत्पश्चात आपके पिता ने आपको मिरज के पंडित बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर के पास संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया, और वहीं पर मिरज के तत्कालीन महाराजा ने आपको आश्रय दिया व सभी प्रकार की व्यवस्थाएं भी करवा दी। एक बार मिरज में एक सार्वजनिक सभा आयोजित हुई और रियासत के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निमंत्रण दिया गया। पंडित जी को राजा श्रेय प्राप्त होने के कारण आमंत्रित तो किया गया, किंतु उनके गुरुजी को नहीं बुलाया गया। इसे देखकर पंडित जी बड़े आश्चर्य में पड़े और इसका कारण जानना चाहा। पूछने पर उन्हें आश्चर्यजनक उत्तर मिला, अरे वो तो गवैये हैं, उन्हें भला क्या आमंत्रित किया जाए। अपने पूज्य गुरु और गवैयों के विषय में कहे गए ये वाक्य उनके हृदय में घर कर गए। वे आश्चर्य में सोचने लगे, अरे समाज में संगीतज्ञों की यह दयनीय दशा। और उसी क्षण पंडित जी ने संगीतज्ञों की दशा सुधारने, समाज में संगीत को उच्च शिक्षा दिलाने तथा संगीत का प्रचार प्रसार करने का दृढ़ निश्चय लिया, और सन 1896 में राजा श्रेय के सभी सुखों को त्याग कर देशाटन के लिए निकल पड़े। अपने सहमधुर आकर्षक संगीत से संगीत प्रेमी जनता को आत्मविभोर किया और आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से सभ्य समाज में संगीत की लालसा जाग उठी, जिसके फलस्वरूप संगीत के कई विद्यालय स्थापित हुए जहां बालक बालिकाओं को संगीत की समुचित शिक्षा दी जा सके। 5 मई 1901 को लाहौर में प्रथम संगीत विद्यालय गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंडित जी को आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ा। संगीत कार्यक्रमों में जो कुछ धन उन्हें मिलता वे विद्यालय के ही कार्यों में लगा देते। प्रारंभ में कई दिनों तक तो विद्यालय में कोई प्रवेश के लिए भी न आया, किंतु पंडित जी निराश न हुए। वे विद्यालय के समय स्वयं तानपुरा लेकर अभ्यास करते और कुछ दिनों बाद विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी, और इसी बीच उन्हें अपने पिता की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। पर वे विद्यालय के कार्यों में इतने व्यस्त थे कि उस समय भी घर न जा सके। सन 1908 को पंडित जी ने बम्बई में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की और यही मुख्य केंद्र बन गया। यहाँ पर आपको लाहौर की तुलना में अधिक सफलता मिली और लगभग 15 वर्षों तक विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। क्योंकि अपना निजी भवन लेने में विद्यालय को काफ़ी कर्ज लेना पड़ा और काफ़ी समय तक ऋण न चुकाने के कारण विद्यालय भवन ऋण में चला गया और विद्यालय बंद करना पड़ा। सन 1920 से पलुस्कर जी कुछ विरक्त से रहने लगे थे और उनका ध्यान राम नाम की ओर आकर्षित हुआ। वे गेरुआ वस्त्र पहनने लगे और रघुपति राघव राजा राम में मस्त रहते, और 1922 में आपने नासिक में राम नाम आधार आश्रम की स्थापना की, और तब से आपका संगीत राम नाममय हो गया। वैदिक काल में प्रचलित आश्रम प्रणाली के आधार पर आपने 100 शिष्यों को तैयार किया, जिनमें अधिकांश शिष्य आप ही के साथ रहते व उनके खाने पीने रहने तथा शिक्षा का प्रबंध वे निःशुल्क करते। आपके शिष्यों में पंडित वी ए कशालकर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित वी आर देवधर, पंडित वी एन ठकार तथा पंडित वी एन पटवर्धन आदि का नाम उल्लेखनीय है। संगीत के क्रियात्मक ज्ञान के लिए आपने एक नवीन स्वर लिपि पद्धति की भी रचना की, जिसे विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह भातखंडे स्वर लिपि पद्धति से भिन्न है। आपके द्वारा संगीत की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं: संगीत बाल बोध, स्वरालाप गायन, संगीत तत्व दर्शक, राग प्रवेशिका तथा भजनामृत लहरी। जनता में संगीत का शीघ्र प्रचार करने के लिए कुछ समय तक संगीतामृत प्रवाह नामक
मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। सन 1930 में आपको लकवा मार गया, फिर भी आप अपनी कार्य क्षमता के अनुकूल संगीत की सेवा करते रहे। इस प्रकार संगीत को पवित्र वातावरण में स्थापित करके संगीत का यह पुजारी 21 अगस्त 1931 को मिरज में प्रभु धाम को प्रस्थान कर गए। पंडित जी के 12 पुत्र हुए थे, उनमें 11 पुत्रों की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो गई थी। केवल एक पुत्र डीवी पलुस्कर, जो अपने समय के गायकों में अच्छे गायक माने जाते हैं, पलुस्कर जी के इस सुपुत्र ने अपने जीवन के 35 वर्षों तक संगीत की सेवा की, किंतु ईश्वर की विडंबना को भला कौन जाने। 26 अक्टूबर 1955 को इनका भी देहांत हो गया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन परिचय के वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर सुनिएगा कि वर्तमान समय में संगीत का जो प्रचार प्रसार है तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत की तरफ जनता को आकर्षित किया है, इसका मुख्य श्रेय भातखंडे जी व पलुस्कर जी को ही है। स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में संगीत सीखने व सिखाए जाने की जो कल्पना उन्होंने की थी, उसका साकार रूप आज दिखाई दे रहा है। संगीत जगत आपका सदैव ऋणी रहेगा व श्रद्धा से आपका स्मरण करेगा।